उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस से बेखौफ चोरों का आतंक। चौबेपुर गश्ती पुलिस की खुली पौल, कस्बे में व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी। किराना व्यापारी राजेंद्र गुप्ता के घर हुई लगभग 35 लाख की चोरी। परिवार शादी समारोह में होने गया था शामिल। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम पहुंची मौके पर। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का। क्या करते हैं आप? हम करना चाहते हैं नेपाल पत्र कार्यरत। अच्छा, कितनी चोरी हुई? क्या आप लोग घर पे नहीं थे? कैसे क्या हुआ? ऐसा हुआ कि कल जो है हमारे चाचा जी की शादी कानपुर में थी, तो हम सब लोग शादी में गए हुए थे और रात में वही 1:15 पर जब वापस हमारा छोटा भाई और हमारा बेटा आया तो यहाँ देखा घर का ताला टूटा हुआ था, ताला खुला हुआ था। और इसके बाद अंदर जाकर देखा कि ताला टूटा पड़ा है। ऊपर जाने पर पता चला कि हमारी माता जी की एक क्या नाम अलमारी थी, उसके लाकर टूटे हुए थे और ऊपर हमारी बंटी, चूँकि तीन भाई हैं, तीनों लोग ज्वाइंट रहते हैं, ऊपर जो है अलमारी का लाकर सब टूटा हुआ था, उससे जो है चोरी की जा चुकी थी। लगभग कितने लाख की चोरी हुई होगी? अनुमानित ऐसे 30-35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, मतलब नकदी समेत जो जेवरा सब मिला के 40 लाख। तीनों भाई ज्वाइंट में थे, माता जी का सामान ज्वेलरी थी और तीनों भाइयों की ज्वेलरी थी, वो सब सामान था, नगद 60,000 रुपये करीब नगद था। अनुमानित जो भाई जो है 30-35 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, 112 डायल किया था, छोटा भाई पहले आया था, उसी ने 112 डायल किया, पुलिस मौके पर आई थी। इसके बाद थाने की भी पुलिस आई थी, सुबह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह सब आया था। यहाँ बगल में चाचा जी के मकान में CCTV कैमरा है, जिससे जो है फुटेज निकलवा करके अपने टाइम में बना लिए हैं और तहरीर देने जा रहे हैं चौपर थाने में। ठीक।